press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मीरा भाईंदर में चुनावी माहौल अपने पूरे चरम पर आ गया है। इस चुनाव में त्रिशंकु लड़ाई का माहौल बन चुका है। भाजपा के नरेंद्र मेहता और कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन वोटरों को आकर्षित करने के लिए देश भर के बड़े बड़े नेता मंत्रीगण को ला रहे हैं ताकि किसी तरह वोट उनके झोली में गिर जाए। वहीं दूसरी ओर भाजपा से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन ने ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत बना ली है। हर दूसरा व्यक्ति मीरा रोड में गीता जैन का नाम ही ले रहा है। शहर का बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक संस्थाएं, आम नागरिक, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी अपना अपना आकलन लगा रहे हैं कि 145 मीरा भाईंदर विधानसभा की बाजी कौन मारेगा। इन सब के अलावा एक दुनिया है सट्टा बाजार, जहां पर चाहे क्रिकेट हो या चुनाव, जुआरी यहां पर बड़े पैमाने पर पैसा लगाकर जुआ खेलते हैं। और जो शातिर व चालाक सटोरी होता है वो लंबी रेस के घोड़े पर अपना दाव लगाता है, फिर उसका अंजाम भले ही कुछ भी हो। सट्टे की इसी दुनिया का माहौल समझने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की, अपनी जान जोखिम में डालकर एक बुकी से संपर्क किया। उस बुकी ने हमें मीरा भाईंदर शहर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक अनजान जगह पर बुलाकर हमसे बातचीत की। जहां पर हमने उससे ये बातचीत की वो एक खाली कमरा था और जो पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। बुकी ने हमारे सामने काफ़ी सारे शर्तें रखी और उन शर्तों को मानने के बाद में ही हमसे उसने मीरा भाईंदर शहर के रुझान को लेकर बातचीत की। आइए जानते हैं उन बातचीत का क्या निष्कर्ष है और क्या माहौल बना हुआ है मीरा भाईंदर विधानसभा सीट का। सर बताइए कि अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इसमें सट्टे को लेकर किस तरह से माहौल बना हुआ है और सट्टे के आंकड़े क्या कहते हैं? सट्टे का तो अभी माहौल एकदम गर्म है, सट्टा बाजार एकदम गर्म है, खासतौर पर महाराष्ट्र का, जहाँ पे ज़्यादातर युवती बनने के चांसेस है। अभी सट्टा बाजार बहुत गर्म है, जिसका भाव 209-211 चल रहा है। जो राजनीतिक दल है, कौन से ऐसे राजनीतिक दल है जिनको ज़्यादा भाव मिल रहा है और कैसा उनको भाव दिया जा रहा है? भाव देखो, ये भाव तो पूरा वन साइड एक ही जा रहा है, बीजेपी, बीजेपी जा रहा है और वन साइड बीजेपी ही आएगी। भाव तो हर जगह के अलग अलग है, जिसका जैसा रहेगा उसका वैसा खुलता है, हर दिन का अलग अलग भाव होता है। वहाँ पर क्या भाव चल रहा है मीरा भाईंदर को बता पाए? वहाँ पे देखिए 22 पैसे और गीता जैन 4 रुपये और मुजफ्फर उसका 10 रुपये। किस तरह से पूरा ये चैनल इस वक्त काम कर रहा है, किस लेवल पे सब काम चल रहा है? हम थोड़ा रख के आगे बढ़ा देते हैं। आप लोग किस हिसाब से काम करते हैं, कैसा आपको परसेंटेज मिलता है? कमीशन बेसिस पे करते हैं। यहाँ पर मीरा भाईंदर में किस तरह के रुझान आ रहे हैं, किस तरह के लगाया जा रहा है और अब तक का जो अमाउंट जो लगा है एक ऐसा बताएंगे आपकी? सबसे ज्यादा नरेंद्र मेहता पे लगा है, ज्यादा जीतने के चांसेस भी उनके ही है, 22 पैसे भाव है उनका, और गीता जैन का 4 रुपये है और मुजफ्फर का 10 रुपये। ये प्रॉफिट इलेक्शन खत्म होने के बाद में रिजल्ट आने पर मिलेगा? जी जी बिल्कुल, रिजल्ट आने पे ही मिलेगा। क्या सिचुएशन अभी तक आपके सामने आई है, किस पर कौन कैंडिडेट है जिस पर पैसा लग रहा है और किस तरह से पैसा लगाया जा रहा है? देखो मार्केट जब खुला था, मार्केट कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग जो रोज सौदे काटते हैं उसके हिसाब से हमको लगा था कि पहले गीता जैन पे ज़्यादा भाव लगेगा, लेकिन देखते देखते पूरा सिस्टम उल्टा हो रहा है, पब्लिक पूरा पैसा नरेंद्र मेहता पे लगा रही है, कि इसी वजह से नरेंद्र मेहता का भाव सिर्फ 22 पैसे है, वैसे ही गीता जैन का भाव 4 रुपये हो गया। तो पहले जो नरेंद्र मेहता का भाव खुला था वो 40 पैसे खुला था, पब्लिक जैसा जैसा पैसा लगा रही है 22 पैसे आ गया और इसके और नीचे जाने की संभावना है। क्यों? पब्लिक वन साइड नरेंद्र मेहता पे पैसा लगा रही है, हमें लगा था कि गीता जैन पे ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन मार्केट का ये उल्टा रवैया चल रहा है, फिर लोग अभी नरेंद्र मेहता टॉप पे जा रहा है,
कि उसका 40 पैसे का अभाव 22 पैसे ये 15 पैसे तक भी आने के चांसेस है। ये हो रहा ये वो भी कैंडिडेट जीतेगा तो इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा इसके बारे में थोड़ा बताइए। फायदा नुकसान पब्लिक का है, पब्लिक पैसा सट्टा बाजार लगाएगी वो कमाएगी, कोई हारेगा या कोई जीतेगा। क्या आपका अभी तक अनुमान बता रहा है, आपका तजुर्बा क्या कहते हैं? अब हमारा अनुमान तो ये बता रहा है ज्यादातर पब्लिक जो पैसा लगा रही है नरेंद्र मेहता पे उस पे प्लस होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब वो लोग प्रॉफिट में रहेंगे जिन्होंने नरेंद्र मेहता पर पैसा लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा एनालिसिस है, हमारा संभावना है। हाँ बोलो भाई। भाई 209-211 11 में 3 पेटी, 11 में 3 पेटी खाया। हाँ भाई तजुर्बा है और क्या एनालिसिस आपने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि कौन ऐसा है कैंडिडेट कि जिसको ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है मीरा भाईंदर में? हम लोग इस वक्त मीरा भाईंदर की ही बात करके अन्य क्षेत्र की बात नहीं करेंगे। मेरा मानना, मेरा ये जो एक्सपीरियंस है इसमें ये बता रहा है कि भाई वन सेट नरेंद्र मेहता जीतेगा, उस पर पैसा ज़्यादा लग रहा है तो उस पर जो पैसा लगाएगा बराबर जीतेगा। तो देखा आपने कि सट्टे के बाज़ार में कैसा माहौल बना हुआ है। हम खबर के माध्यम से दर्शकों और मीरा भाईंदर के वोटरों से अपील करना चाहेंगे कि इन सटोरी और बुकियों के झांसे में ना आए, जो कैंडिडेट शहर के हित और विकास करे उसे ही अपना कीमती वोट दे। धन्यवाद।